हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो पारस की होने वाली नई वाइफ उर्फ वैशाली की कुछ और नई फोटोज सामने आई है। और गौर करने वाली बात यह है कि एक ही लड़की की फोटोज आ रही है, तो प्रोबेबिलिटी इसी की ज्यादा है कि यही वो लड़की है जिससे कि पारस शादी करने वाले हैं। एक चैनल है जिसने कि सबसे पहले वैशाली की फोटोज अपने चैनल पर अपलोड की थी और उसमें यही कमेंट थे कि स्नेहा ने ये फोटोज लीक करवाई है। तब से ही लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दो तीन और लड़कियों के नाम सामने लाए गए ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए और असली वैशाली बच सके। और इसी चैनल पर ये नए फोटोज आए हैं और इसी चैनल पर आपको वैशाली की यूट्यूब चैनल का एक वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा एक दो चीजें और ऐसी सामने आई है कि लोगों ने इन्हें मार्केट में घूमते हुए देखा है दोनों को, तो वो चीज भी मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताने वाली कि इन दोनों को किसने और कहां पर घूमते हुए देखा है साथ में। इससे पहले बात करते हैं कल जो पारस, कोमल, पुलकित और शिवम लाइव आए थे उस बारे में। तो इस लाइव में पारस ने खुद बताया कि वैशाली का इंस्टाग्राम पर अकाउंट था पर उन्होंने अकाउंट बंद करवा दिया है। अगर आप लोगों को उस लाइव की वो क्लिप देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगी। रही बात पारस के Q&A वीडियो की, तो वो मैंने अभी तक नहीं देखा है तो उसका रिव्यू मैं नहीं दे पाऊंगी। पर बात करते हैं आज के व्लॉग की जो कि मैंने देखा है। तो आज के व्लॉग से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये लड़की स्नेहा नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोग कंफ्यूज करने के लिए ये बोल रहे थे कि ये स्नेहा ही है। पर आज के व्लॉग में हमें आवाज भी सुनाई दी और हमने आंखें भी क्लियरली देखी, क्योंकि एंगेजमेंट के व्लॉग में काफी हेवी आई मेकअप किया हुआ था तो हमें आंखें समझ नहीं पड़ रही थी। पर आज हमें लड़की की आंखें देखने को मिली और कंफ्यूजन दूर हुआ कि स्नेहा नहीं है। अब बात करते हैं उस कमेंट की जो कि मुझे आया है। उन्होंने लिखा है कि इन्हें यहाँ मार्केट में घूमते हुए भी देखा है, लव मैरिज है, एकदम ओपनली समझ आ रहा था देखते ही, गर्लफ्रेंड है पुरानी ये पारस। इस तरह का मुझे कमेंट आया है। तो देखो, कमेंट तो कोई भी कर सकता है, 50-50% चांस रहते हैं कमेंट के सही होने के। हो सकता है इन्होंने उन्हें मार्केट में देखा हो, क्योंकि आजकल जब भी कोई कंट्रोवर्सी होता है तो कोई ना कोई पड़ोसी जरूर सामने आकर ये बोलता है कि हम उसके पड़ोसी है, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। पर आज के लोग को देखकर एक चीज समझ में आती है कि पारस हमेशा बोलते हैं कि उन्होंने हृदय के लिए ये शादी कर रहे हैं, तो फिर जब अपनी होने वाली फियांसे से मिलने गए तो हृदय को साथ में क्यों नहीं ले गए। पारस ने ये बोला कि हृदय की तबीयत खराब है, तो उस दिन ना जाकर जब हृदय की तबीयत ठीक हो उस दिन भी तो डिनर डेट पर जाया जा सकता था, जरूरी नहीं कि उसी दिन जाए। तो बस गाइस, इतना ही रिव्यू था आज की वीडियो में मेरा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही नई वीडियो से। बाय।